नमस्कार दोस्तों, जेई मेन की रिजल्ट आ चुका है। पूरा फाइनल रिजल्ट आ चुका है जेई मेन का। तो कई बच्चों को सफलता मिली है, कई बच्चों के स्कोर काफ़ी अच्छे आए हैं, कई बच्चे सेटिस्फाइड भी नहीं हैं। लेकिन इस रिजल्ट में एक बात सामने आई है कि ऐसे कई बच्चे थे जिनका पहले के जो सेशन थे उनमें बहुत कम स्कोर था, लेकिन अचानक जब ये अभी रिजल्ट आया है इसमें उनका जो परसेंट है वो 99 से ऊपर चली गई है। तो ऐसे में काफ़ी आरोप लगाया जा रहा है कि ये कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है और कोई ना कोई गड़बड़ है। हमने एक मार्कशीट दिखाई भी थी आपको, उसके बाद मेरे पास बहुत सारी मार्कशीट आ चुकी हैं ऐसी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये बात सच है, क्या ये फर्जीवाड़ा हो रहा है या फिर ये झूठ बोला जा रहा है, बच्चों की मेहनत है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बच्चा पहले ना पढ़ रहा हो, फिर अचानक उसके अंदर एक पढ़ने की मोटिवेशन आई हो, उसने पढ़ना शुरू कर दिया हो। लेकिन फिर भी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसमें जाँच होनी चाहिए। तो भाई, एनटीए ने किसी को ब्लॉक भी नहीं किया है। जो लोग पकड़े गए थे, जिस जिस सेंटर पर सोल्वर पकड़े गए थे, या जो एक अभी खुलासा किया था कि मीडिया चैनल ने कि पूरा सेट है, पहले से मैनेज किया गया है पूरी चीज़ों को जेई मेंस की, तो कुछ भी हुआ नहीं है और रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ऐसे में मैंने कई मार्कशीट देखी जिन बच्चों का पहले सेशन में बिल्कुल 30-40 परसेंटाइल था और अब एकदम 99+ चला गया है। तो मैं भी टीचर हूँ, कई साल से पढ़ाता हूँ जेई के लिए, नीट के लिए। मुझे भी पता है किसी बच्चे में इतना ड्रेस्टिक चेंज तो नहीं हो सकता, बोर्ड में हो सकता है, कॉम्पिटिशन में नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। तो आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा, क्या ये गड़बड़ है या फिर बच्चों की मेहनत है या फिर पूरा कोचिंग माफिया इसके पीछे लगा हुआ है? जो भी हो, ये सब जाँच का विषय और ये बंद होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए, नई सुबह ज़रूर आएगी और अंधियारा हटेगा और उजियारा आएगा। जय हिंद।